जी आइए, आज जुम्मे के दिन अजमेर शरीफ का माहौल कैसा है पहले दिखाएंगे बाहर से। बाहर से देखा तो वो जो मेन गेट से अंदर दाखिल होते हैं उसी गेट से अंदर दाखिल होंगे और सीधा अंदर आएंगे जहां पर वजू बनाया जाता है। वजू खाना में वजू खाना का माहौल यानी मंजर देखेंगे कैसे है आज। उसके बाद चलेंगे सीधे आताई नूर में बड़ी गेट पे जहां पर चादर पेश होता है, वहीं से ज़ियारत करवेंगे। पहले वहाँ से ज़ियारत करवाते हुए सीधे चलेंगे आपको पायती में जहाँ पर कदम उसी होता है, कदम उसी जगह पर ज़ियारत करवाएंगे। कदम उसी जगह से फिर ले चलेंगे आपको आस्तर शरीफ के 4 नंबर गेट के सामने, जिस गेट से आप आस्तर शरीफ ज़ियारत करके बाहर आते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे बाबा फरीद साहब के चिल्ला शरीफ, अम्बाजन के दरबार शरीफ। तो बना रहिए, आप शुरू करते हमारी वीडियो, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए आप लोग। जी बना रहिए। अस्सलामुअलैकुम, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आइए आज पहले दरगाह शरीफ के बाहर का माहौल आप देख लीजिए। ये देखिए दरगाह बाज़ार की माहौल, आज जुम्मे के दिन है तो आज पहले दरगाह शरीफ की बाहर का इंफॉर्मेशन ले लीजिए। देखिए कैसे यहाँ पर जायरीन है, चहल पहल कैसा है। आज जुम्मे के दिन है तो आप सबको जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये सुभान अल्लाह, ये देखिए दरगाह बाज़ार से निज़ाम गेट, मेन गेट दरगाह शरीफ के अंदर दाखिल होने का, तो ये गेट ज़ियारत कीजिए। और देखिए आज गेट के सामने कितना ज़ायरीन है, कैसे यहाँ का मंजर है आज, ये आप देख लीजिए। और मेन गेट को भी ज़ियारत कीजिए, इसी गेट से आपको अंदर ले चलेंगे। तो देखिए पहले बाहर का मंजर आप देख लीजिए, आज जुम्मे का दिन है, कितने ज़ायरीन अजमेर शरीफ में है। आज दरगाह शरीफ के बाहर का मंजर पहले आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए आज कितने ज़ायरीन है, अभी सुबह 10 बज रहा है तो 10 बजे का ये मंजर दरगाह शरीफ के बाहर अभी आप देख रहे हो। देखिए ये मेन गेट के सामने है माशाल्लाह, आज कितने ज़ायरीन दरगाह शरीफ के बाहर है देख लीजिए। और ख़ास करके आज माँ फातिमा जहरा तो की माँ फातिमा जहरा की आज जन्मदिन है, तो इंशाल्लाह शाम को आज दरगाह शरीफ के अंदर प्रोग्राम होगा। तो ये देखिए मेन गेट है बाहर से अंदर दाखिल होने का, ये मेन गेट का मंजर आप देख लीजिए। देखिए मेन गेट से मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ, जी ये अंदर आ गया हूँ। देखिए मेन गेट पे भी किसी का कोई रोक टोक नहीं है, अगर आप बड़ी लैकेज नहीं आएंगे तो आपको रोकेंगे नहीं। मेन गेट के बाद ये नौबत खाना गेट, देखिए इस गेट का मंजर भी कैसे है। आज ज़्यादा ज़ायरीन अभी नहीं है क्योंकि जुम्मे का रेन फुल क्राउड हो जाएगा नमाज के वक्त। तो ये देखिए बुलंद दरवाजे के सामने का मंजर, सुभान अल्लाह, तो ये बुलंद दरवाज़ा ज़ियारत कीजिए। और ये देखिए अकबरी मस्जिद, और आज जनवरी का 13 तारीख है और 4 दिन बाद झंडा चढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए बाहर से आने जाने का 2 नंबर गेट, तो इंशाल्लाह और 4 दिन बाद झंडा चढ़ाया जाएंगे बुलंद दरवाजे के ऊपर, यानी उरूस की आगाज़ हो जाएगा और चांद की 1 तारीख से उरूस स्टार्ट हो जाएगा। चांद का 1 तारीख पड़ जाएगा आपको 22 या तो 23, चांद की 1 दिन आगे पीछे होता है। ये देखिए छोटी डेग ज़ियारत कीजिए आप। और ये देखिए गुम्बद शरीफ हुजूर गरीब नवाज की ज़ियारत कीजिए बुलंद दरवाजे के नीचे से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देख लीजिए बड़ी डेक को भी आप ज़ियारत कीजिए। और ये दोनों डेक का बीच का मंजर देख लीजिए। तो आज 13 तारीख है और 4 दिन बाद झंडा चढ़ाया जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए यानी आज चांद की 21 तारीख है। ये वजू खाना की मंजर देखिए, आज वजू खाना के यहाँ पर कितना ज़ायरीन है अभी सुबह 10 बजे देख लीजिए आप। और ये देखिए बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट लंगर खाना गेट, देखिए लंगर खाना गेट से अंदर आती वजू खाना आ जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए छोटी वजू खाना वजू बनाया जगह था लेकिन वो हटा दिया, जी ये देखिए यहाँ से हट गया जी। तो देखते आप क्या नया बनाएगा, ये बड़ी वजू खाना है, यहाँ पर वजू बनाते आप लोग, और यहाँ पर भी वजू खाना था लेकिन उसको तोड़ के हटा दिया गया है। पर देखेंगे वहाँ पर क्या होता है, दिखाएंगे आपको भी इंशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। तो माशाल्लाह आज दरगाह शरीफ के अंदर कितना भीड़ भाड़ है, कितने ज़ायरीन हैं ये आप देख लीजिए। और दरगाह शरीफ को ज़ियारत कीजिए, आज जुम्मे का दिन है।
ये देखिए, मैंने अभी आपको शांदली मस्जिद के सामने लेके आया हूँ। पहले अम्मा जान का दरबार शरीफ ज़ियारत करवाएंगे। सुभान अल्लाह। ये देखिए अम्मा जान की दरबार शरीफ, यानी हुजूर गरीब नवाज की बीबी साहिबा की दरगाह, हुजूर गरीब नवाज के दोनों बीबी साहिबा की ये दरगाह है। दोनों बीबी का दरगाह शरीफ दिखाया आपको। और ये देखिए शांदली मस्जिद के अंदर आज कोई नहीं है इबादत करने वाला, कोई देख नहीं रहा आज। चलिए आगे और चलते हैं। तो आज माँ फातिमातुल जोहरा की जन्मदिन है आज, तो उनकी जन्मदिन का जश्न मनाया जाएंगे यहाँ पर दरगाह शरीफ के अंदर आज शाम को इंशाल्लाह। देखिए आज आता है नूर का मंजर कैसे है। पहले गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए आप। आइए पहले गुम्बद शरीफ ज़ियारत कराते हैं। सुभान अल्लाह। ये देखिए गुम्बद शरीफ ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह। आज जुम्मे के दिन है, आता है नूर से पहले गुम्बद शरीफ ज़ियारत किया आपने। अभी आप ये देख लीजिए आता है नूर का मंजर। देखिए ये कहाँ पर आज कितने ज़ायरीन है, कैसे लोग यहाँ पर इबादत कर रहा है, चहल पहल है आपकी। देख लीजिए यहाँ पर कव्वाली भी हो रहा है। देखिए और इस आता है नूर में आज शाम को महफिल होगा माँ फातिमा जोहरा की जन्मदिन की। माशाल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आता है नूर से आस्तान शरीफ जहाँ पर चादर पेश होता है, देखिए और ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। और आस्तान शरीफ के अंदर फूल से सजाया गया है क्योंकि आज माँ फातिमा जोहरा की आज जन्मदिन है। इंशाल्लाह आज उनकी जन्मदिन में दरगाह शरीफ के अंदर आज शाम को महफिल मनाया जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए अभी आप आस्तान शरीफ ज़ियारत कीजिए जहाँ पर चादर पेश होता है। आता है नूर से आप ज़ियारत कर रहे हो और ये आस्तान शरीफ की बड़ी गेट है, इस गेट से कोई भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर किसी का कोई रोक टोक नहीं इंशाल्लाह। देखिए किस तरह जारिन जा रहा है ज़ियारत के लिए, अपने अपना मर्जी में ज़ियारत कर रहा है, किसी का कोई रोक टोक नहीं है माशाल्लाह। और आप भी ज़ियारत कीजिए हमारे वीडियो द्वारा और देख लीजिए आज आता है नूर का मंजर कैसा है। आइए पूरी आता है नूर का मंजर आपको दिखाते हैं एक बार और फिर पाइथी में चलते हैं। देख लीजिए ये आता है नूर का मंजर। और आज शाम को यहाँ पर महफिल मनाया जाएंगे इंशाल्लाह क्योंकि आज माँ फातिमा की जन्मदिन है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की आज जन्मदिन है। तो आज जश्न-ए-विलादत मनाए जाएंगे इंशाल्लाह दरगाह शरीफ के अंदर। तो ये देखिए अभी आपको पाइथी में लिख आया हूँ और पाइथी का मंजर आप देख लीजिए जी। ये पूरी पाइथी का मंजर है। सुभान अल्लाह। हुजूर गरीब नवासी गुम्बद शरीफ देखिए, ज़ियारत कीजिए। पाइथी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। और ये पूरी पाइथी का मंजर देखिए, आज पाइथी में कहाँ पर कितने ज़ायरीन है। आज जुम्मे के दिन है और सुबह 10 बजे कैसे मंजर है दरगाह शरीफ के अंदर, ये देख लीजिए आप। देखिए कहाँ पर कितने ज़ायरीन है और पाइथी में भी कबली हो रहा है। देखिए यहाँ का मंजर कैसे है इंशाल्लाह। और ज़ियारत कीजिए। चलिए बिल्कुल पाइथी गेट के सामने ले चलते हैं, आस्तान शरीफ ज़ियारत कराते हैं आपको, बना रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है पाइथी यानी आस्तान शरीफ के 2 नंबर गेट जहाँ पर आस्तान शरीफ में कदम उसी होता है, वहीं पर आप अभी आप ज़ियारत कर रहे हो। पाइथी गेट से ज़ियारत कीजिए और वहाँ का मंजर भी आप देख लीजिए माशाल्लाह। ये देखिए आज ज़्यादा ज़ायरीन नहीं है दरगाह शरीफ के अंदर, आज जुम्मे का दिन है तो ज़ायरीन जुम्मे के नमाज के वक्त यहाँ पर फुल क्राउड हो जाएंगे। अभी सभी रूम से गुसल वगैरह करके आएंगे एक ही छत, थोड़ा टाइम लगेंगे, 12-1 बजे यहाँ पर फुल क्राउड हो जाएंगे। तो जुम्मे के नमाज से पहले मैं आपको दरगाह शरीफ ज़ियारत करवा रहा हूँ और मंजर भी आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 3 नंबर गेट के अंदर जाने का रास्ता है, यहाँ से आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, खुद्दम में हजरत के साथ जाना पड़ेंगे तभी ये VIP गेट से जा सकेंगे आप। सुभान अल्लाह। ये देखिए गुम्बद शरीफ एक बार ज़ियारत कीजिए और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दुआएं मांगिए। और ये देखिए 3 नंबर गेट ज़ियारत कीजिए आप। और इस गेट का नाम सवाली गेट है और नंबर में 3 नंबर है, देखिए। और ये देखिए 3 नंबर गेट का आसपास का मंजर भी आज आप देख लीजिए। तो माशाल्लाह और 4 दिन बाद आपकी झंडा पेश होगा बुलंद दरवाजे के ऊपर, यानी आज चांद की 21 तारीख है और 4 दिन बाद। और इंशाल्लाह 4 और 5 यानी 9 दिन बाद आपका उर्वश स्टार्ट होगा। सुभान अल्लाह क्या मंजर आएंगे दरगाह शरीफ के अंदर दिखाएंगे। तो ये देखिए जन्नती दरवाज़ा, ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए आप जन्नती दरवाजे के सामने से।
और देखिए आज क्या जालिम कैसे ज़ियारत कर रहा है, और आप भी ज़ियारत कीजिए। सुभान अल्लाह। तो ये है शाहजानी मस्जिद। शाहजानी मस्जिद के अंदर का मंजर आप देख लीजिए। आज यहाँ पर कितने ज़ायरीन हैं, कैसे लोग दुआएं मांग रहा है, ज़ियारत कर रहा है, यहाँ बैठ के देख लीजिए आप। जी माशाल्लाह, अभी सर्दी का टाइम, शाहजानी मस्जिद के अंदर बैठ के ज़ियारत करना बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पर धूप भी मिलता है और पूरी गुंबद शरीफ क्लियर देखते हैं आप। सुभान अल्लाह, ये देखिए गुंबद शरीफ, गरीब नवाज की देखिए और ज़ियारत कीजिए। शाहजानी मस्जिद के अंदर से दिखा रहा हूँ। आइए आप चार नंबर गेट ज़ियारत कीजिए। जी ये देखिए चार नंबर गेट आस्थाना शरीफ के, ये आखिरी गेट है और इसी गेट से आप ज़ियारत करके बाहर आती है। बाहर आने का गेट है, देखिए लिखा हुआ है बाहर आने का गेट है, बाहर देखिए। और ज़ियारत कीजिए इस गेट को भी, और इस गेट का आसपास का मंजर देखिए, ये देख लीजिए आप। चलिए बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ ज़ियारत कराते हैं और रमजान के दरबार शरीफ भी ज़ियारत कराते हैं, बना रही है। ये देखिए बाबा फरीद साहब की चिल्ला शरीफ ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांग लीजिए आप यहाँ से भी। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये देखिए अमाजन की दरबार शरीफ जो इधर से मशक ढला जाता है, ज़ियारत कीजिए, दुआएं मांगिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज़ियारत कीजिए। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दे दीजिए आप लोग हमें इजाज़त। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद जय भारत, अस्सलामु अलैकुम। जाते जाते एक बात और कहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए।